ई रिक्शा में बैठकर राहगीरों को लूटने वाले दल को जूही थाना पुलिस ने घटना के 20 मिनट के अंदर धर दबोचा। ये जानकारी अपर पुलिस आयुक्त ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि 25 मई की रात 11 बजे के करीब वीरू पुत्र मेवालाल अफीम कोठी चौराहे से जूही मिलिट्री कैंप की तरफ जा रहे थे। जूही ढाल से उतरते समय ई रिक्शा पर बैठे 2-3 लोगों ने उन्हें रोका और मारपीट कर 2,000 रुपये छीन लिए और ई रिक्शा से भाग गए। इसके उपरांत वीरू ने तुरंत जूही मिलिट्री कैंप चौकी इंचार्ज को उक्त ई रिक्शे का नंबर दिया और शिकायत की, जिस पर चौकी इंचार्ज ने तत्परता दिखाते हुए क्षेत्र की नाकाबंदी कराई और मात्र 20 मिनट के अंदर जूही थाना पुलिस ने उक्त ई रिक्शा और उस पर सवार दो अभियुक्त क्रमशः विमल वर्मा और गौरव श्रीवास्तव को धर दबोचा। जूही थाना पुलिस दोनों अभियुक्तों से उनके द्वारा पूर्व में की गई घटनाओं की जानकारी ले रही है, साथ ही अभियुक्तों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 25/5/2022 को रात्रि लगभग 11 बजे वीरू पुत्र मेवालाल निवासी परमपुरवा थाना जूही ने थाना जूही पर सूचना दी कि जब वह अफीम कोटी से मिलिट्री कैंप चौकी की तरफ आ रहे थे तो जूही ढाल पर एक बैटरी रिक्शा में बैठे 2-3 अज्ञात लोगों ने उनसे 2,000 रुपये छीन लिए। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जूही पुलिस द्वारा वीरू के बताए हुए ई रिक्शा नंबर के आधार पर 20 मिनट के अंदर ही जूही गढ़ा निवासी दो अभियुक्त विमल वर्मा व गौरव श्रीवास्तव को लूटे हुए 1,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना स्तर पर की जा रही है। डीसीपी दक्षिणी मैडम द्वारा टीम को 5,000 रुपये देने का घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश टाइम्स।